चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये तुलसी है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? उर्दू फारसी, संस्कृत हिंदी, अवधि ब्रज या अपभ्रंश या प्रकृति। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। सबको एक बार शेयर कर दो, जो भी लोग यहाँ पे जो भी दबा के एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि एक एक बच्चा तक पहुंच सके। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जहां भी है, सबको एकदम गर्दा शेयर कर दो। चलिए बहुत अच्छी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ चुका है, अवधि और ब्रज। याद रखिएगा, तुलसीदास जी अवधि में भी लिखते थे और ब्रजभाषी भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए हैं, बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए। अगला सवाल, जूठन जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जय कृष्णमूर्ति या मलयज। जूठन के राइटर कौन है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर टू। क्या सर थोड़ा देर नहीं रुक सकते, आते आते स्टार्ट कर देते हैं? हाँ ये बात तो है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चन ही किया। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए इसीलिए कर देता हूं क्योंकि 120 क्वेश्चन करने रहते हैं और जैसे ही 10 बजता है लड़का लोग बोलता है सर जल्दी जल्दी कीजिए, इसीलिए। सही जवाब क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थ्री। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम, निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए। मलयज हमेशा खैनी मलते रहते थे, है ना, तो मलयज का मूल नाम क्या था? चलिए बहुत अच्छे, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, है ना। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, एकदम धन्य हो गए, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? ठीक है, यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। अर्धनारीश्वर, हस्तज मेरा अकेलापन, शिक्षा या सिपाही की मां। क्वेश्चन नंबर फोर, किस पाठ में आया है ये आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है? क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करेंगे। जबरदस्त, देखिए आंसर आ रहा है बी बी बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन में कहा गया था कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। देखो जब आदमी अकेले हो जाता है ना, तब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है, ज्ञान की बातें। ठीक है, जब भी ज्ञान की बातें आ जाए समझ में। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद या अज्ञेय। बताइए तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार। अभिषेक बोल रहे हैं मैं खाना भी खा रहा हूं, आंसर नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं अभिषेक। क्वेश्चन नंबर फाइव, याद रखिएगा कौन है भाई तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार? उदय प्रकाश, ए ए ए, फिर फाइव का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब कभी कभी हम बी बी बोल देते थे, मतलब बाइक नहीं बोल रहे हैं, बी का मतलब हम बी बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मतलब ना बी बी बोल रहे हैं। चलिए उदय प्रकाश तिरिच शीर्षक कहानी के रचनाकार, जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस पाठ में आया है अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिला, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरिच पीछे पीछे आता है। कहां से लिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा, तिरिच का जिक्र हो गया तो आएगा कहां से? तिरिच से ही आएगा ना, तिरछा नहीं, तिरिच, तिरिच से ही आएगा। जब तिरिच का जिक्र हो गया तो तिरिच का ही लिया गया है। देखिए बहुत लोग सी पे क्लिक किए, जल्दबाजी में हो गया गड़बड़, यह तिरछा है, आपको तिरिच करना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? जय कृष्णमूर्ति क्या थे?
सर बीभा झूठी है, कभी क्लास नहीं करती है, टॉपर बन जाती है। देखिए अगर वो उनकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि उनका मार्क्स वो बोल देते हैं कि सर मेरा 62 आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अगर देखिए अगर कोई इंसान ठगता है तो खुद को ठगता है, ना आपको ठग रहा है ना मुझे ठग रहा है। ठीक है, अगर वो ईमानदार है तो बिल्कुल सही है, अगर ठग रहे हैं तो अपने आप को ठग रहे हैं। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? क्वेश्चन नंबर 7। तो एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना? तो विश्व शिक्षक थे। ठीक है, विश्व शिक्षक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए जबरदस्त आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विभा बोल रही है मैं क्लास में ही हूं। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कोई भी अपना मार्क्स जो बता रहा है ना वो अपना रियल ही बताता है, ये मान के चलिए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भीगो दूंगी अग जग के छोर? काव्य खंड, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति या ऑप्शन नंबर डी। किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग जग के छोर? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे, याद रखिएगा, भिगो दूंगी अग जग के छोर जो है वो काव्य खंड है। कहां से लिया गया है? काव्य खंड से। जो भी ए पे क्लिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी? बहुत इजी सवाल, करबक, बताइए करबक। बहुत अच्छा सवाल, एकदम मजेदार सवाल। मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास? क्वेश्चन नंबर 9। तो बताए थे जायसी नॉट आईसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन, लीने मांगत सूर जठनिया? जायसी, तुलसी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, कोई से भी न्यूज चैनल सर्च कीजिएगा, लिखिएगा टू गर्ल्स फाइटिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर कीजिए। भोजन करी नंद, देखो नंद का जिक्र हो रहा है। ठीक है, नंद का, अचमन ली है मांगत सूर जुठनिया। सही जवाब क्या है? सूरदास। सूरदास बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे बताइए तो, सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास कौन सा डांस सीखे थे? देखिए आप लोग झगड़ा करते हैं, देखिए डोगी आ गया। बल्ले बल्ले डांस करते थे सूरदास, कौन सा डांस करते थे? बल्ले बल्ले डांस करते थे, है ना? तो सही जवाब क्या है 11 का? ऑप्शन नंबर ए, बल्लवाचार्य। ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त आंसर आ चुका है, बल्लवाचार्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नाभादास किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 12, नाभादास किसके शिष्य थे? इसका मतलब नाभादास के गुरु पूछ रहा है, नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास, रामानंद, बल्लवाचार्य या विठल? मेरे पास वीडियो था, कृष्णा सिंह बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, नाभादास किसके शिष्य थे याद रखिएगा, नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास थे, है ना? ये अग्रदास इनको बताए थे कि नाभि आगे रहता है। ठीक है, नाभि कहाँ रहता है? आगे रहता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, इनको यही बताए थे कि नाभि आगे रहता है, क्योंकि गुरु जी का नाम है था अग्रदास, आगे रहने वाले। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। हंसिएगा नहीं, हंसना मना है। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम, लसी एवं आत्मा दुबे, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर करेंगे। तुलसीदास के माता पिता, जिया राय खूब हंस रहे हैं, क्या बात है। तुलसीदास के माता पिता, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छे। तुलसीदास के माता पिता जो हैं
इसलिए इनका नाम तुलसी पड़ा क्योंकि ये इसमें हुलसी थे, ठीक है, हुलसी एवं आत्माराम, ठीक है। 13 का सही जवाब क्या होगा, हुलसी, इसलिए नाम पड़ गया तुलसी, ठीक है, नाम था हुलसी उनके मम्मी पापा में, इसीलिए नाम पड़ गया तुलसी, ऐसे याद रखिएगा, हुलसी तुलसी। नाहोदास के दीक्षा गुरु कौन थे, अब देखिए दीक्षा गुरु पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 14, दीक्षा गुरु पूछ दे किसके शिष्य थे ये पूछ दे, आप हमेशा जाइएगा कि नाभि आगे होता है, नाभि कहाँ होता है, आगे होता है, स्वामी अग्रदास। 14 का सही जवाब क्या है, अग्रदास जी थे, है ना। चलिए बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल, भूषण के पिताजी कौन थे, भूषण के पिताजी मधुकर त्रिपाठी, श्याम तिवारी, गणपति झा या रत्नाकर त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 15, तो भूषण, भूषण के पिताजी, तो भूषण का मतलब क्या, आभूषण, है ना, तो आभूषण कौन बनाएगा, जो रत्नाकर होगा, जो रत्न का कारोबार करेगा, है ना। रत्नाकर त्रिपाठी ऑप्शन नंबर डी, भूषण के पिताजी कौन थे, रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसे याद रखिए, रत्नाकर त्रिपाठी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, फटाफट आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बहुत बार बताएं कि भैया ये जो भट्ट है, भट्ट क्या है, आलिया भट्ट, याद कैसे रखिएगा, आलिया भट्ट, तो आलिया क्या है, आधुनिक काल की है, तो याद रखिएगा, बाल किस भट्ट पूछेगा तो आधुनिक काल की, एकदम मॉडर्न जमाने के, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, बाल किस भट्ट जो है कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उनका घर था, समस्तीपुर, पटना, वाराणसी या इलाहाबाद। 17, बालकिस भट्ट का घर कहां था, निवास स्थान कहां था, क्या बात है, जबरदस्त आंसर आता हुआ, इलाहाबाद यूपी के साथ बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद यूपी, जबरदस्त तरीके से सही आंसर कर दिए, एकदम थमा मचा दिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छे मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, चलिए फटाफट सभी आंसर करेंगे। उसने कहा था किस वर्ष की, सॉरी, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, देखिए इसका ईयर जरूर से याद रखिएगा, उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है लहनासी वाला, किस वर्ष की रचना है, 18 याद रखिएगा, 1915 की रचना है, किसकी रचना है, 1915, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915, जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं एकदम धमाल मचा दिए, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बचपन का क्या नाम था, बचपन में इनको किस नाम से बोला जाता, अनंत, अभिमन्यु, राहुल या बाहु। 20, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपी को बचपन में क्या नाम था, जैसे सुने होंगे अब, है ना, किसी का नाम रहता है लड्डू, किसी का नाम रहता है गोलू, है ना, बचपन में अलग अलग नाम रहता है, बड़ा होता है तो नाम चेंज कर लेता है स्कूल में, टेंथ के सर्टिफिकेट में, तो उन्हीं का नाम था बाउल, बचपन का नाम क्या था, बाउल, ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर आप सभी का, जो भी डी के साथ गए हैं, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो गांधी मैदान में दिया गया था, ये भी याद रखिए, गांधी मैदान में, लेकिन कौन दिए थे, तो जेपी जयप्रकाश नारायण दिए थे, कौन सा नारा, संपूर्ण क्रांति, जो पाठ आपका लिखा हुआ है, ये कब दिया गया था, ये भाषण कब दिया गया था। अब कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, है ना, ये भी याद रखिए। 21, सर आपके बचपन में क्या नाम था, मेरा अभी भी वो नाम है, अभी भी घर में मुझे वही बुलाते हैं सब, मेरा निकनेम, जिसको निकनेम बोलते हैं, रियल नेम तो आप लोगों को पता ही है कि अभिषेक है ना।
चलिए ऑप्शन नंबर एक, मेरे मम्मी पापा अभी भी निकनेम से ही मुझे बुलाते हैं। 1974 याद रखिएगा, 5 जून 1974 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, दिनकर जी पत्नी का क्या नाम था? रमधारी से दिनकर जिन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, प्रभावती देवी, कस्तूरबा या अच्छा रोहित आपका नाम है, बताइए दिनकर जी की पत्नी पत्नी था। 22 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, शानदार, श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे और इनकी पत्नी जो थी वो श्यामवती देवी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए वाले भैया एकदम धमाल मचा दिए, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ जन्म लिए थे? इटारसी, ढाका, लमही या सिमरिया? रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि बोला जाता है ना, उर्वशी लिखे थे इसीलिए राष्ट्र कवि बोला जाता था, इनका जन्म बताइए। 23, ये बिहार के थे, बिहारी थे, 100% बिहारी थे। सिमरिया, कोई बेगूसराय का बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या? सिमरिया, कोई बच्चा सिमरिया का है तो कमेंट करना। सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे, याद रखिएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका, मालती, कलावती, सुनीता या रागिनी? रोज कहानी की नायिका का मतलब क्या हो गया? हीरोइन। थैंक यू सो मच सेजल। रोज कहानी की नायिका तो कौन थी? रोज कहानी की नायिका 24। चलिए बहुत अच्छे, मालती के साथ जा रहे, एकदम जबरदस्त धमाल मचा दिए, मालती। याद रखिएगा सही आंसर क्या है 24 का, ऑप्शन नंबर ए मालती। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ चुका है एकदम। चलिए अगला सवाल, रोज शीर्षक कहानी का पहले क्या नाम था? बाद में इसका नाम बदल के रोज कर दिया गया था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन सी शीर्षक कहानी का नाम चेंज किया गया था। तो रोज शीर्षक कहानी का पुराना नाम क्या था? लौटती पगडंडिया, छोरा हुआ रास्ता, बिपथगा या गैंग्रीन? 25। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बार बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आता हुआ, पहले इसका नाम गैंग्रीन था, है ना, पहले इसका नाम गैंग्रीन था, बाद में इसे बदलकर रोज कर दिया गया था, याद रखिएगा इसको, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? भगत सिंह का पैतृक गांव ए बी सी या डी? 26, खटकड़ कला, पंजाब या हरियाणा, अमृतसर या पंजाब? क्वेश्चन नंबर 26। देखो आप सभी को पता है कि भगत सिंह पंजाब के थे, तो हरियाणा तो यहां पे लिखना ही नहीं है, याद रखिएगा। खटकड़ कला पंजाब के थे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खटकड़ कला पंजाब। चलिए जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। अगला सवाल, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सिपाही की मां जो एकांकी है, आप देखिए पूछा जाएगा सिपाही की मां क्या है, तो एकांकी है, और इसकी कथा वस्तु क्या है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की? 27। इसकी जो कथा वस्तु है, जो स्टोरी लिखा गया है, सर आप अभी दिल्ली में ही हो सेजल? जी हाँ, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहूंगा, बस दशहरा में पटना जा रहा हूँ। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु, 27। चलिए बहुत अच्छे, निम्न मध्यम वर्ग की, सही जवाब क्या है? निम्न मध्यम वर्ग की, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे एकदम धमाल मचा रहे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर में, इटारसी में, सिमरिया में या शाहजहांपुर में? 28। एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एकदम छोड़ना कुछ नहीं है, है ना। क्लास डेली जो है 8:45 से ही शुरू हो जाती है हिंदी और इंग्लिश की, है ना, तो जबरदस्त तरीके से एकदम तैयारी करनी।
जन्म स्थान कहाँ था, याद रखेंगे शाहजहांपुर, जगदीश जन्मातु शाहजहांपुर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एकदम धमाल मचा दिया, एकदम बल्ले बल्ले धोती फार रुमाल बना दिए। अगला सवाल, अब सिपाही की माँ एक एकांकी तो है, लेकिन इसके जो लेखक है, जो राइटर है, उनका नाम क्या? सर हम पटना हाजीपुर महनार से हैं, पंकज सिंह। चलिए, मोहन राकेश, कालिदास, ज्ञान रंजन या रवि रंजन? 29 बताइए, सिपाही की माँ एकांकी के कांकीकार कौन है? 29 हाँ, एकदम दिल में बसा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 याद रखिएगा, मोहन राकेश, सिपाही की माँ की जो राइटर है वो कौन है? मोहन राकेश। एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है जबरदस्त। किस पात्र का कथन है, किस पात्र का कथन है, भैया ध्यान से देखिएगा, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बतंगों करे से भी अच्छे होंगे ना, है ना? कौन बोली थी, मुन्नी, विष्णी, कुंती या देव? क्वेश्चन नंबर 30 में ये लाइन किसने बोला? नहीं नहीं दिमाग में नहीं बसाइएगा, दिल में बसाइएगा, दिल में जो बसता है ना हमेशा याद रहता है, दिमाग कभी कभी नर्वस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए मुन्नी बोली थी, है ना, कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बतंगों करे से भी अच्छे होंगे ना, ठीक है जा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, शीर्षक पाठ के रचयिता कौन, भूषण बिहारी, चित्तानंद त्रिपाठी या घनानंद? 31 चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भूषण जी, जबरदस्त तरीके से आंसर कर दिए, एकदम शानदार। चलिए अगला सवाल फटाफट आंसर करेंगे एकदम, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? क्वेश्चन नंबर 32, तुमुल कोलाहल कला के जो शीर्षक कविता के कवि थे कौन थे? 32 बताइए, जेपी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, एकदम शानदार, जेपी जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बाय बाय सर, ओके बाय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 32 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, कामायनी, झरना, आंसू या लहर? बताइए किस पुस्तक से ली गई है। 33 आपको ये बताएं कि एक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश के नारायण के द्वारा लिखा गया है, और जयप्रकाश नारायण जो है वो क्या लिखे थे, तो कमायनी लिखे थे, तो इस तरीके से जो भी कमायनी भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चल बहुत अच्छे, सभी का आंसर आता हो बहुत अच्छे, अमर सभी का, जितेंद्र कुमार म्यूजिक लवर, चलिए दिव्या गुप्ता, गणेश कुमार, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, निहालपुर, नैनीहालपुर, ससुरालपुर? देखो ससुरालपुर भी ऑप्शन दिया है, देखिए कहीं वही तो आंसर नहीं है। 37 बताइए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए हैं, बताइए कहाँ जन्म हुआ था, निहालपुर, नैनीहालपुर या ससुरालपुर? भैया निहालपुर में जन्म हुआ था, ससुरालपुर में नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ससुरालपुर नहीं टिक कर देना। चलिए अगला सवाल, ससुराल जाने में बहुत टाइम है अभी, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, किसे हम बोलते हैं कवियों का कवि, है ना, कवियों का कवि, शमशेर बहादुर सिंह, पंत, निराला या प्रसाद?
35 कवियों का कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम इसको दिल में बसा लेना है ना, एकदम याद कर लेना। 35 है ना, नजर इतना ध्यान से देखिए कि सीधे आपके दिल में जाके टपके। शमशेर बहादुर सी, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सी बिल्कुल सही आंसर है, 35 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए अगला सवाल, एकदम बहादुर थे कवि गजानन, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म, 36 फटाफट आंसर करेंगे 36 का। गजानन माधव मुक्ति बोध, क्या बात है, एकदम जबरदस्त। याद रखिए गजानन माधव मुक्ति बोध जो है ग्वालियर के रहने वाले थे, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, कहां के रहने वाले थे? देखो जन्म स्थान जो है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर डी जबरदस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध है, लोग भूल गए हैं या सीढ़ियों पर धूप में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? 37, चलिए हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं या ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी का आंसर आने लगा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नाम बताए। प्यारे नन्हे बेटे के जो राइटर है उसका नाम आपको बताना है, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या रघुवीर सहाय। 38, ओ मेरे नन्हे से प्यारे से, बताइए प्यारे नन्हे बेटे, 38 एकदम जबरदस्त, एकदम धोती पकड़ के उछल गया एकदम। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल, एकदम शुक्ला जी लिखे थे प्यारे नन्हे बेटे, ठीक है, क्योंकि इनके बेटे जो है बहुत बदमाश थे, शुक्ला जी को बहुत तंग करते थे। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो कहां के रहने वाले थे बताइए, इटारसी, कदम कुआं, वाराणसी या रायपुर, ये शुक्ला जी जो थे वो कहां के रहने वाले थे? 39, तो याद रखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल जो थे वो रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? रायपुर छत्तीसगढ़ के साथ, जो भी डी के सी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे कृष्णा, मनीषा, सुशील, आशुतोष, चलिए सभी का आंसर करीब करीब सही आता हुआ। अगला सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इतने पास शीर्षक कहानी के कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या शमशेर बहादुर सी, इतने पास। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब आ चुका है 40 का ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है शमशेर बहादुर सी, इतने पास, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कवियों के कवि है ना वही लिखे थे, जो कवि कवि रहे वही नहीं लिखेंगे इतने पास। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? गजानन माधव मुक्ति बोध, अशोक वाजपेयी, नागा अर्जुन या डी। बताइए क्वेश्चन नंबर 41, विवा वे आर यू, सभी मिसिंग कर रहे हैं आपको, क्लास में है तो हाजिर होइए, नहीं तो समझ जाएंगे कि आप बहुत चालू हैं। बताइए खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बहुत अच्छे, 41 का आंसर आ चुका है, 41 का ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, कवि ज्ञानेंद्र पति
कभी ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? कभी ज्ञानेन्द्रपति वाराणसी यूपी, कदम कुआं, इटारसी या लमही? 42 का फटाफट आंसर करेंगे। कभी ज्ञानेन्द्रपति बताइए, कभी ज्ञानेन्द्रपति का निवास स्थान कहां था? क्वेश्चन नंबर 42। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर, वाराणसी यूपी। जो भी वाराणसी यूपी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें ज्ञानेन्द्रपति ज्ञान बांटने वाले, ठीक है? आपको पता है ज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो वाराणसी है, याद रखिएगा। अच्छा ही ज्ञान बांटते थे, बहुत ज्ञानी थे, इसका मतलब जरूर वाराणसी से थे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक न आवाज की, ठीक है, न आवाज आती यहां तक न रोशनी की आवाज? अधिनायक, हार जीत, गांव का घर या जनजन का चेहरा? 43 क्वेश्चन नंबर 43 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए याद रखिएगा, आवाज भी नहीं आती यहां तक, वो गांव का घर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो गांव का घर से लिया गया है। 43 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी जो भी क्लिक किए। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता? हेनरी लोपोज, अंतोन चेखव, जीत कृष्णमूर्ति या ऑप्शन नंबर डी? देखो ये एंटोन चेखव आ गए, ये तो मैरिज प्रपोजल इंग्लिश वाले आ गए, है ना? ये तो इंग्लिश वाले राइटर, इसमें को पहले ही हटा दो। क्वेश्चन नंबर 44, क्लर्क की मौत, भैया यही है, एंटोन चेखव साहब है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा बी ए है, एंटोन चेखव साहब है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, देख रहे थे बच्चा लोग क्या आंसर करता है। चलिए अगला सवाल, गाई डी मोपासा के जीवन काल बताएं, ए बी सी या डी? 45 का फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। याद रखिएगा 1850 से 1893, 1850 से 1893 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम रट लेना है। घुटने टेकना, घुटना टेक देना मुहावरे का अर्थ बताइए, घुटना टेक देना, हार मान लेना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित हो? उसने घुटने टेक दिए, बोलते हैं ना किसी के सामने घुटना मत टेकना, एक दिन बताए थे, है ना? घुटना टेक कर कभी किसी को प्रपोज नहीं करना भैया, इसका मतलब होता है हार मानना, ठीक है? भले ही सोचेंगे कि भैया हम स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन आप रियल में क्या कर रहे हैं? हार मान रहे हैं, ठीक है? समाज का विशेषण, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, सामाजी, समाजू या समाजक? क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी, समाज से क्या बनेगा? सामाजिक, इतना इजी सवाल, ये तो बल्ले बल्ले वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? असमान टूटना, असमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए, असमान टूट गया, आप कोई बोलता है ना कि मेरे ऊपर तो असमान टूट गया, क्या हो गया? 48, इसका मतलब है अचानक से मुसीबत का, है ना, एकदम बाढ़ आ जाना, बहुत बड़ा मुसीबत आ जाना, उसी को बोलते हैं कि असमान टूट पड़ना, ठीक है? बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है। 49, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना प्रिय दिन, अत्यधिक कठिन दिन, उल्लासपूर्ण दिन या उत्साहपूर्ण दिन? छठी का दूध याद आना, है ना, अत्यधिक कठिन दिन, बोलते तुमको तो हम छठी का दूध याद दिला देंगे, रुको ना तुमको हम बताते हैं, सही जवाब क्या है? अत्यधिक कठिन दिन, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर? चलो जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही। कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ बताइए, कलई खुलना, हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खोलना या कलाई टूटना? 50, देखो कलाई खुलना इसका मतलब होता है भैया कोई राज खुल जाना, राज खुल जाना, राज को क्या बोलते हैं? भेद खुल गया, उसी को बोलते हैं कलाई खुलना,
भेद प्रकट होना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई भेद छुपा के रखे थे। नेक्स्ट है, हाँ रुको तुमको बताते हैं, एकदम छठी का द्वितीय याद दिला देंगे। हाथी का पर्यायवाची हाथी, हाथी का दूसरा नाम क्या है, गज, हस्ती, मतंग या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, फटाफट आंसर करेंगे। देखो आपको पता है कि गज भी हाथी को बोलते हैं, मतंग भी हाथी को बोलते हैं, तो डी वाले भैया एकदम धमाल मचा दिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, छात्रों के रहने का स्थान क्या है, छात्रों को रहने जहां छात्रा रहते, छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग, जहां स्टूडेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं। 52, अब देखिए तो सभी को पता होगा जहां स्टूडेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, छात्रावास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, आंखों के सामने के लिए एक शब्द, जैसे वो मेरे आंखों के सामने, है ना, बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी। 53, देखिए एकदम आंखों के सामने के लिए बोलती है प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो आंखों के सामने उसके लिए सबूत क्या है, ठीक है, जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, प्रत्यक्ष बोलते हैं। अगला है स्वीकार करने योग्य, जिसे स्वीकार किया जाए उसे क्या बोलते हैं, बरण, बरेण्य, स्वीकृति या स्वीकार। 54, स्वीकार करने योग्य, जिसे स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा स्वीकार करने योग्य हम वरेण्य बोलते हैं, वरेण्य, स्वीकृति नहीं, स्वीकृति तो मतलब हो गया कोई स्वीकार हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता, जो जानने की इच्छा रखता उसे हम क्या बोलते हैं, हर चीज जानने की इच्छा रखता, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। 53, बहुत अच्छे याद रखेंगे, जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है, थक गए हैं तो लेट कर पढ़ाई करें, है ना, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु, जो ये व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, अगर मन में इच्छा हो तो जिज्ञासा, व्यक्ति के बारे में जिज्ञासु, तो ए मत क्लिक कर लेना। जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, अब देखिए जिसके दर्शन प्रिय माने जाए मतलब उसका दर्शन अगर मिल जाए तो बोलते हैं वाह आज दिन धन्य धन्य हो गया मेरा, प्रिय दर्शन, दर्पण, दर्शन या प्रिय। 56 है, देखिये जिसके दर्शन प्रिय माने जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रिय दर्शन या प्रिय दर्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत ईजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीही या द्विगु। लंबोदर कौन सा समास होता है, क्वेश्चन नंबर 57 का फटाफट आंसर करेंगे। देखिए लंबा हो जिसका उदर, है ना, लंबोदर, तो ये कौन सा समास होगा, बहुव्रीही समास, जो भी सी के साथ गया। चलिए एक एक बच्चा का, एक एक बच्चा जो है बिल्कुल सही आंसर, बहुव्रीही, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, हाथ पैर, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर बताइए, हाथ पैर डैश लगा हुआ है तो बताइए कौन सा समास है, हाथ पैर कौन सा समास है बताइए। एक डेढ़ घंटा में पढ़ाई में आप लोग को सर दर्द करने लगता है, घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं क्या, द्वंद समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या ऑप्शन नंबर डी। चलिए 58 का आंसर आ गया, जब भी डैश लगा रहे तो वो क्या होता है, द्वंद समास होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलो अगला सवाल, राजकुमार में कौन समास है, राजकुमार, इस ब्रेन का मतलब है कि 5 से 6 घंटे भी पढ़े तो सर दर्द नहीं होना चाहिए, सर दर्द हो रहा है इसका मतलब कुछ दिक्कत है,
राजकुमार कौन सा मास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? 59 बताओ। उस टाइम से हम बोलते रहते मेरा मुंह दर्द नहीं होता है, आप लोग का सर दर्द हो जाता है। इस एज में सर दर्द हो जाता है, आगे क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, राजकुमार ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? गगनचुंबी कौन सा मास है? गगनचुंबी, गगनचुंबी तत्पुरुष, 24 घंटे पढ़ते हैं सर, 60। गगनचुंबी कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर आ गया, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी तत्पुरुष समास है। तो यहां पे हम लोगों ने अभी 60 क्वेश्चन किए हैं, अभी 60 क्वेश्चन और आपको बोनस के रूप में देंगे, है ना। थकना मना है, पढ़ाई का मतलब है कि एकदम रगड़ के पढ़ो। बड़े बुजुर्ग बोलते थे, है ना, मेरे सर बोलते थे, कहते भैया पढ़ो, जब तक रगड़ के नहीं पढ़ा तो पढ़ने का मजा क्या है। कोई पढ़ो एकदम रगड़ दो, है ना, जैसे हम धुआं धुआं बोलते हैं ना, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दो। तो मेरे सर बोलते थे एकदम रगड़ के पढ़ो, रगड़ रगड़ के। आलसी का उल्टा क्या होता है? तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी, उद्यमी। लेकिन हम बोलते एकदम गर्दा उड़ा दो, एकदम धमाल मचा दो, धुआं धुआं कर दो, आलसी। अब देखिए आलसी का आ ही गया है, आलसी का उल्टा क्या होगा? मेहनती। आलसी का मतलब क्या है? एकदम आलस में रहना, एकदम बैटरी डाउन। और उसका उल्टा क्या होगा? हमेशा बैटरी चार्ज रहता है उसका, एकदम मेहनती होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ज्ञात का विलोम, ज्ञात, ज्ञात का मतलब क्या है? किसी चीज की जानकारी है, उसका उल्टा क्या होगा? अनजान, सी या डी, बताइए फटाफट आंसर करेंगे। ज्ञात का उल्टा अज्ञात, ज्ञात का उल्टा क्या होगा? अज्ञात बिल्कुल सही जवाब है। जेना लाल कुमार बिल्कुल आपका नाम ले लिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अज्ञात। चलिए अगला सवाल, अनुराग, अनुराग को मतलब होता है क्या? स्नेह। अनुराग को क्या बोलते हैं? स्नेह। स्नेह हो गया, राग हो गया, प्रेम हो गया, सभी इसका मीनिंग होता है अनुराग का। लेकिन उल्टा पूछ रहा है, उल्टा। वैराग्य मतलब भी प्रेमी हो, बताइए। 33 विराग, अनुराग का उल्टा होता है विराग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी मत कर देना, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अनुराग का मतलब प्रेम, विराग का मतलब अलगाव। करुण का उल्टा क्या होता है? करुण, करुण का उल्टा, करुण का मतलब पहले होता क्या है, पहले ये समझ लो। करुण का मतलब होता है जिसके अंदर दया हो, करुण भरी दया, है ना, बताइए। उसका उल्टा जो एकदम कठोर हो, कठोर हो, निष्ठुर हृदय का हो, बोलते एकदम निष्ठुर है, एकदम कठोर है, एकदम पत्थर है, उसी करुण का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए सभी करीब करीब सभी का आंसर आता हो सही, उल्टा पूछ रहा है तो दया कैसे हो जाएगा? करुण मतलब तो दया हो भी करता है। प्राचीन का उल्टा, प्राचीन का उल्टा, प्राचीन मतलब पुराना, तो पुराना का उल्टा क्या हुआ? चीन, अवाचीन, पुराना या धुराना। फल देखो, प्राचीन मतलब पुराना, तो अवाचीन मतलब होता है कि नया, तो सही जवाब होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अर्वाचीन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाले भैया एकदम धमाल मचा दिए, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, गणतंत्र का उल्टा क्या होता है? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? राजतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत बहुत बच्चा देखो क्या करेगा, कोई 26 जनवरी को उल्टा 15 अगस्त वाला आंसर मत दे देना। हमें पता है कि 26 जनवरी पूछ दिए तो 15 अगस्त आंसर कर देगा सब, स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल नहीं, गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा शासन चलाया जाता हो, ठीक है, डेमोक्रेसी। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे राजतंत्र होगा, स्वतंत्र नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो सब सी सी कर दिया, बहुत लोग सी कर दिया, मतलब जलेबी खाने पर ध्यान रहता है कि 26 जनवरी की वो जलेबी बढ़ता है, वो 15 अगस्त की जलेबी बढ़ता है, ऐसे मत करना। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, गणतंत्र मतलब कि प्रजा का शासन,
राजतंत्र मतलब राजा का शासन, जैसे इंडिया में कौन सा तंत्र है, डेमोक्रेसी, गणतंत्र। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं, खाते रहिए खाना एकदम खाते रहे। भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर सेवन, कोई नहीं, खा ले एक हाथ से और एक हाथ से आंसर करे। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं, सेवन। देखिए पृथ्वी को हम भूमि के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को भूमि के नाम से जानते हैं, है ना, भूमि भी पृथ्वी को ही बोलते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, नभ, गगन, अंबर या उपयुक्त सभी, क्वेश्चन नंबर ए। देखो आकाश को हम नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं और अंबर भी बोलते हैं, ठीक है, सभी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं याद रखिए क्लास जो है डेली 8:45 में हिंदी और इंग्लिश से क्लास हो रही है, अल्टरनेट में तो आप लोग हिंदी में जुड़ते हैं तो इंग्लिश में भी जुड़ा कीजिए। देखा जाता है इंग्लिश में बच्चे कम आते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश का नंबर इंटर में नहीं जुड़ेगा, ये मत समझना मैट्रिक में नहीं जुड़ा था तो नहीं जुड़ेगा, 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। और 7 बजे शाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है, तो सभी क्लास में जुड़ा कीजिए। चलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, जल का पर्यायवाची क्या है, जल, जल को किस नाम से जानते हैं, नील, तोय, वारी या उपयुक्त सभी, तोय, तोय। देखो जल को नील भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, तोय तोय भी बोलते हैं, तोय तोय। चलिए सही जवाब क्या है 9 का, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रक्षाबंधन कौन संज्ञा, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर करें जी। अब टाइम चेंज नहीं होगा, जो टाइम फिक्स हो गया है वही टाइम रहेगा, आप अपना टाइम खुद चेंज करें, जो काम अभी करते हैं वो सुबह में कर लीजिए, ठीक है, सुबह नहीं हो सकता क्लास। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 10 याद रखिएगा, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, त्रिभुवन में शब्द कौन सा समास है, त्रिभुवन, तो बताए थे जिसमें आपका गिनती आ जाए 1, 2, 3, 4। बायो की क्लास जो है दशहरे के बाद से होगी, क्लास में आइएगा डेली तो पता चलेगा ना कौन क्लास कब से हो रहा है, ठीक है, तो पूरा क्लास आप लोग करते नहीं इस वजह से दिक्कत होती है। द्वंद समास, दिग्गु समास, तत्पुरुष या डी, तो गिनती वाले में क्या होता है, दिग्गु समास होता है, जब भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 त्रिभुवन में त्रि लिखा, इसका मतलब क्या, तीन भुवन, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए अगला सवाल, चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन समास है, चिड़ीमार, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद या दिग्गु, क्वेश्चन नंबर 12, चिड़ीमार में कौन समास है। चलिए 12 का आंसर आने लगा है, चिड़ीमार, चिड़ीमार जो भैया वो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए जबरदस्त तरीके से आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलो अगला सवाल, बेईमान शब्द की प्रकृति, और बेईमान शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज, क्वेश्चन नंबर 13, बताइए बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है, एकदम शानदार, विदेशज है ना, याद रखिएगा विदेशज शब्द होता है, 13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विदेशज, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, फटाफट आंसर करो, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5, 4, 7 या 8। जब डेली वाले हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास में हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है, और अभी भी बताए हैं। चलिए 14 का आंसर, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं,
आंसर आ चुका है। विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं। बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर चार प्रकार के होते हैं। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? भाषण, भाषण के लिए विशेषण क्या होगा? अरे भाषण का ऑप्शन है गलत है। ठीक है चलो, 15 नंबर टाइपिंग मिस्टेक है, 15 नंबर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा में, अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, कक्षा में ब्लैंक छात्रों की कमी नहीं है, बड़े छोटे बौने या आलसी। 16, अब दिमाग लगा के इसका आंसर करना, दिमाग लगा के इसका आंसर करना। क्या कोई ऐसा बोल सकता है कक्षा में बड़े छात्रों की कमी नहीं? कोई बोल सकता है क्या कक्षा में छोटे छात्रों की कमी नहीं, या कक्षा में बौने छात्रों की कमी नहीं है? कोई बोल सकता है क्या? बोलने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आलसी, है ना, कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं है। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ग्राम का विशेषण बताना है। ग्राम, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण, ग्राम शब्द का विशेषण बताइए। ग्राम का गंवार, ग्रामीण, गंवारू या गवई। 70, ग्राम का मतलब क्या हुआ? ग्राम गांव हो गया, और गांव में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? जो गांव में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? गांव की विशेषता यानी ग्रामीण। क्या होगा सही जवाब? कोई गवार मत लिख देना, गांव में रहने वाला गवार नहीं होता, ये आईपीसी बनता है, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी, ग्रामीण। नेक्स्ट, देह कौन सा लिंग है? देखिए देह का लिंग पूछ दिया कि हमारा जो देह है, देह समझते हैं ना, बॉडी, देह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए आपका शरीर जो है लड़का का रहे या लड़की का रहे, है ना, शरीर जो है वो लड़का का हो या लड़की का हो, लेकिन वो होता है क्या? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, देह कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए, जबरदस्त है। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। आयु, आयु यानी कि एज। अब देखो ये एक ऐसा चीज है ना जो कभी कोई भी अपना सही नहीं बताता। लड़का तो कुछ कुछ हद तक बता भी देगा सही, ठीक है, लड़का ज्यादा नहीं छुपाता है, 2 साल से ज्यादा नहीं छुपाएगा, 2 साल 3 साल छुपाएगा। लड़की, 30 साल की लड़की से अगर पूछ दो ना कितने साल की हो आप, तो बोलेगा ओ आई एम जस्ट 23 years old, मैं तो अभी 23 साल की हूँ, आपको कितने साल की लगती हो? जब आपसे कोई ऐसा बोले अच्छा 23 साल की हो गई, मुझे तभी आप 20 साल की ही लगती हो। ओह माय गॉड, क्या मेंटेनेंस करके रखी है ना, ऐसा होता है। अब पूछ रहा आयु कौन सा नहीं है, अब बता दी कि एज किस पे डिपेंड करता है? 19, स्त्रीलिंग, है ना, क्योंकि लड़की लोग एज छुपाती है ज्यादा, इसीलिए स्त्रीलिंग है ना। चलिए अगला सवाल, खटिया कौन लिंग है? खटिया, खटिया कौन सा लिंग है? 20, स्त्रीलिंग, पुलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए खटिया कौन सा लिंग है? खटिया, खटिया समझते हैं ना कि नहीं? देखे खटिया, खटिया भी स्त्रीलिंग है, खटिया टूट गई। सही जवाब क्या है? 20, ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। नहीं लड़का लोग भी छुपाता है, ऐसा नहीं 2 से 3 साल छुपा लेता है, लेकिन लड़की लोग का तो भाई गजब का छुपाती है। 35 साल की हो जाएगी, बोलेगी अभी मेरा कितना हो रहा है, अभी मेरा 26-27 हो रहा हूँ, अरे बाप रे, 8-8 साल 9-9 साल छुपाती है, बेहोशी करने वाले। उसका आधार कार्ड देखो तो पता चलेगा, आधार कार्ड जल्दी दिखेवे नहीं करेगी। निष्कासन उपसर्ग बताइए, ए बी सी आदि। 21, देखो सीधे किसी से एज पूछना हो ना तो सीधे पूछना ना, आप 10th कब पास किए तब पकड़ा जाएगी, पकड़ा गया है ना। जो भी साल बताएगी तो समझ जाना, कोई भी 10th पास करता है ना तो 15-14 साल का रहता ही है, 14 साल तो कोई नहीं रहता, 15 साल तो कर ही लेता है ना, 15 साल का रहता है एवरेज जोड़ देना, कि जिस दिन वो 10th पास किया होगा वो 15 साल का रहा होगा, और उस हिसाब से एज कैलकुलेट कर लेना,
एकदम तेज बनो, एज नहीं पूछो, किसी से एज पूछना ही नहीं, सिर्फ ये पूछना, अच्छा बताइए कि आप 10th कब पास किए थे, लॉजिकल क्वेश्चन, झूठ नहीं बोलेगा ना, बोलेगी तो एकदम सही बताएगी, तो थोड़े पता चलेगा एज पूछ रहा है। क्लियर? निष्कासन में ऑप्शन 21 याद रखिएगा, निष्कासन में क्या ऑप्शन होगा, निस जो कासन, सही जो ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, जो आगे रहेगा वो हो जाएगा। अपमान, अपमान में उपसर्ग बताइए, अपमान में उपसर्ग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22, अपमान में उपसर्ग। हाँ आप 14th के थे तो, हाँ तो 14 साल से तो कम का इलाव ही नहीं होता है, तो 14-15 तो हो ही गया ना, 1 साल में क्या फर्क पड़ता है, 1 साल चलता है। अपमान में उपसर्ग बताइए, 22, देखिए अपमान में क्या हो जाएगा, आगे क्या लगा हुआ, अप जो भी डी के साथ गया एकदम धमाल मचा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगर भैया भैया की शादी होने वाली रहे तो लड़की देखने जाए तो इसका ध्यान रखिएगा, सबसे पहला वही सवाल कीजिएगा, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी, अभियो या अभी, 23, अभियोजन। लड़का को तो अपना एज ही नहीं पता होता, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अभियोजन। बहुत इजी सवाल है, आगे जो रहेगा वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एकदम धमाल मचाते हुए आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त। प्रकाशित, प्रकाशित में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रकाशित में पूछ रहा है कि प्रत्यय क्या होगा, देखिए प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा, तो प्रकाश आगे हो जाएगा, प्रकाश क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, तो बी क्या होगा, प्रत्यय, एकदम लाजवाब आंसर। ये सब जो नंबर है ना एकदम फ्री का देता है बिहार में, ठीक है, एकदम फ्री का देता है। अब ई वाला इत नहीं होगा, चलो देखो गलती हो गया ना, ये वाला इत होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाला इत नहीं होगा, तो ए के साथ जाइएगा, बी के साथ नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, विभागीय शब्द में प्रत्यय बताइए, विभागीय में प्रत्यय क्या है, विभागीय पीछे में क्या लगा हुआ है, ईए 25, 25, विभागीय। देखिए जब दीर्घई लगा रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि ये वाला ई होगा, अगर हर्षई रहेगा तो ये वाला ई होगा, यहाँ पे विभागीय में देखिए दीर्घई है, दीर्घई है ना, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको ध्यान में रखिएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर इधर से रहेगा तो इसको दीर्घई बोलते हैं, ठीक है, अगर इधर से रहेगा तो इसको हम हर्षई बोलते, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुर्माना, जुर्माना में प्रत्यय बताना है कि जुर्माना में क्या प्रत्यय होता है, जुर्माना, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जुर्माना में क्या होगा, जुर्म जुर आना, ठीक है, जुर्माना बिल्कुल सही जवाब है, जुर्म जुर आना, जबरदस्त तरीके से सही आंसर है, 26 का ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मधुरिमा, मधुरिमा में प्रत्यय बताइए, मधुरिमा में क्या प्रत्यय, रीमा धुरीमा इमा, 27। देखो मधुरिमा तो मधुर, आगे क्या आ जाएगा, मधुर, और ये क्योंकि ये हर्षई है, ये क्या है, हर्षई है, तो क्या हो जाएगा, इमा हो जाएगा, ये वाला इमा नहीं होगा, अगर ये वाला इमा होगा तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, ये वाला इमा, क्यों, क्योंकि ये हर्षई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, त्रिलोक शब्द कौन समास है, त्रिलोक, त्रिलोक शब्द कौन समास है, बहुव्रीहि, दीर्घु, कर्मधारय या तत्पुरुष, त्रिलोक। अभी बताएं जब गिनती का बोध हो जाए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती का बोध हो जाए तो वो कौन सा समास होता है, दीर्घु समास होता है, ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा, त्रिलोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या बोलते हैं, जो स्त्री एक्टिंग करती हो, अभिनय का मतलब क्या हो गया, एक्टिंग करती हो उसे क्या कहते हैं, नर्तकी, गायिका, अभिनेत्री या नायिका, 29। चलिए जबरदस्त, देखिए आंसर आ चुका है, अभिनेत्री, अभिनेत्री कहेंगे ना, जो अभिनय करेगी उसे क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है,
लेकिन आजकल अभिनय तो सब कर रहे हैं, सब आजकल रील्स बना रहे हैं। कुर्सी कौन सी संज्ञा है? कुर्सी, कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? कुर्सी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सर हिंदी ही बोरिंग लगता है आपको, इंटरेस्टिंग क्या लगता है बताइए कभी। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छे, शानदार। कुर्सी, ये कुर्सी से सभी कुर्सी का बोध हो जाता है, कुर्सी जाति का ही बोध हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कुर्सी का नाम नहीं लिखा हुआ, ना कुर्सी का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो क्या होगा, जातिवाचक। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, दहेज का लिंग बताइए। दहेज, दहेज कौन सा लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दहेज, बायोलॉजी सर। अच्छा, बायो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है आपको। दहेज का लिंग निर्णय बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, जबरदस्त। 31 का देखिए आंसर आने लगा, क्वेश्चन नंबर 31 का याद रखेंगे। सही जवाब है दहेज पुलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं, ठीक है, पुलिंग। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल। छात्रावास, छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास, छात्रावास कौन सा लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुलिंग या डी। क्वेश्चन नंबर 32, छात्रावास। चलिए बहुत अच्छे, 32 का आंसर आ चुका है। 32 पुलिंग, ठीक है। छात्रावास क्या होगा? पुलिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी कवि, चलिए जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बाल, बाल कौन सा लिंग है? बाल, बाल यानी क्या? हेयर। बताइए स्त्रीलिंग, पुलिंग, सी या डी। फटाफट आंसर करेंगे। जो टॉपर है उनका नाम जो है क्लास के लास्ट में लिया जाएगा, और डेली क्लास से एकदम 8:45 में आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास चल रही है। आज हिंदी है तो कल इंग्लिश चलेगी, और 7 बजे डेली आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास चल रही है शाम में, ठीक है। तो डेली एकदम तैयार रहें और सभी क्लास करें, सब काम छोड़कर एकदम फ्री हो जाए। चलिए 33 का आंसर आ चुका है, याद रखेंगे। सही जवाब है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए वाले भैया बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? सदाचार, मक्का का बाल नहीं भैया, आदमी वाला बाल। सदाचार का संधि विच्छेद, इसको पटक के तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद बोल रहा है, बस पटक के तोड़ दीजिए। 34 देखिए, सदाचार पूछ रहा है, क्या होगा? सद, सद जो आचार। चलिए बहुत अच्छे, शानदार, एकदम धमाल वाला आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, एकदम धमाल मचा दिए, एकदम बल्ले बल्ले, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत पीछे चला दिया, फिर से नहीं हो सकता, 35 में पहुंच गए हैं, आप बैक जाके देख लीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ए बी सी या डी। देखो विद्यालय तो क्या होगा, विद्या जो आलय, विद्या जो आलय, ये देखो आलय है तो क्या होगा, विद्या जो आलय, ऑप्शन नंबर बी। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। डी में देखो ध्यान से, डी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विद्या जो आलय है, बी होगा। बहुत अच्छे, बी वाले एकदम जबरदस्त, जो बी मारे एकदम बन गए हीरो। उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 36 का फटाफट आंसर करो, उद्घाटन, एकदम जबरदस्त आंसर आना चाहिए। क्लास डेली हो रही है, संडे हो या मंडे, डेली क्लास हो रही है। आपको बताए थे कि जब भी उद आ जाए तो समझ जाना हम उद का यूज नहीं करके उत का यूज करेंगे। उत्तजोलघाटन, ऑप्शन नंबर सी, उत्तजोलघाटन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, आर्ट्स की क्लास देखिए, हिंदी इंग्लिश तो सभी के लिए है ना, आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, सभी का एक ही सब्जेक्ट है। बाकी रह गया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्लास लाई जाएगी। संधि विच्छेद अन्वेषण, ए बी सी या डी। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताएं, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? 37। चलिए बहुत अच्छे, अनुजोर एशन, अनुजोर एशन, अनुजोर एशन, ऑप्शन नंबर सी। अनु अनु अनुजोर एशन,
ठीक है, चलिए जो भी सी पे क्लिक किए हैं एकदम धमाल मचाती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जगदम्बा, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद बताएं, जगदम्बा, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट आंसर करें एकदम धमाल मचाते हुए। 38, एक एक बच्चा यहाँ पे आंसर करेगा क्योंकि 90% का टारगेट है, और कोशिश कीजिए कि टॉपर में मेरा भी नाम हो, तो इस उद्देश्य से क्लास कीजिए, पूरी क्लास करें और टॉपर में हम भी अपना नाम दर्ज कराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ चुका है, 38 का क्या होगा, जगत जोड़ अंबा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक किया एकदम शानदार। बेईमान, बेईमान शब्द में क्या उपसर्ग है, बेईमान, बेईमान में उपसर्ग बताना है, क्वेश्चन नंबर 39। देखो बेईमान का मतलब क्या हो गया, बिना ईमान का, जिसके पास कोई ईमान ही ना हो, तो क्या होगा, बेजोर ईमान, इसका मतलब क्या है, बेईमान। तो 39 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी के साथ गए हैं एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, सुकर्म में उपसर्ग बताना है, कि सुकर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, जो आगे रहता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो आपसे पूछ रहा है सुकर्म में क्या उपसर्ग होगा। 40, चलिए बहुत अच्छे, 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, सुजोर कर्ण, जो भी ए के साथ गया है एकदम धमाल मचा दिए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जबरदस्त सभी का आंसर आता हुआ। नेक्स्ट, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, आपके बुक से क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास, नाभादास, तुलसीदास या कबीरदास। बप्पी लहरी नहीं है भैया। 51, एकदम देखिए झूम उठिए, स से साहित्य और स से सूरदास, सूरदास जो लिखते थे स स स स स, सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर ए, जितना स से होता था मैक्सिमम सूरदास ही लिखते थे। चलिए अगला सवाल, प्रगीत और समाज शीर्षक, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान या इतिहास और आलोचना। 42 का फटाफट आंसर करेंगे, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर आता हुआ, प्रगीत और समाज, है ना, एकदम शानदार। वाद विवाद संवाद से लिया गया है, कहां से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से। एक एक बच्चा देखो फराटेदार आंसर करता हुआ। जूठन क्या है, आप पूछा जा रहा है बताइए जूठन क्या है, रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा, जूठन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए जबरदस्त आंसर आने लगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देखो जूठन जो है ना, याद रखिएगा, जूठन आत्मकथा है, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा है जूठन, ठीक है, जो भी डी के साथ गए एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मलयज, मलयज जो है अपना एम ए जो है किस विषय में एम ए किए थे, ठीक है, मलयज ने अपना एम ए कब किस विषय में किया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या बांग्ला। 44, याद रखिएगा किस विषय में किए थे, तो अंग्रेजी विषय में किए थे, जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। 45, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश या अज्ञेय, क्वेश्चन नंबर 45। सचिव उस समय भी अंग्रेजी में एमए किए थे बाबू, याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो राइटर हैं वो कौन है, तो मलयज है, और जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी। इनके साथ हो क्या रहा था, वो छोड़कर चली गई थी, अकेले थे, अब अकेले थे तो खैनी लगाते रहते थे, मरते रहते थे, और हंसते हुए मेरा अकेलापन पे याद करते रहते थे, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तिरिच कहानी किस प्रकार की है, तिरिच, ए बी सी या डी, तिरिच कहानी किस प्रकार की है। 46, उत्तर आधुनिक त्रासदी, उत्तर आधुनिक कॉमेडी, फटाफट आंसर करेंगे भाई, सुखांतिकी या हंसी लाने वाली, याद रखिएगा 46 का उत्तर आधुनिक त्रासदी है, ये एक त्रासदी में आती है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, किस पाठ में उक्ति आई है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। कौन बोले हैं कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती? औसरा नीरा, अर्धनारीश्वर, सिपाही की माँ या शिक्षा 47। बहुत अच्छे, शिक्षा में बोला गया है ना कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाय फलक, ठीक है, आप तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो। शिक्षा शीर्षक कहानी किसने लिखा है? शिक्षा शीर्षक कहानी किसने लिखा है? जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञेय? शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है ये बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए बहुत अच्छे जी आर रॉय, एकदम जबरदस्त आंसर आपका आ रहा है और आप बिल्कुल पूरा क्लास कर रहे हैं। चलिए 48 का आंसर आ चुका है, 48 का ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं। जे के स्मूर्ति एकदम शानदार आंसर आता है, वो ऑप्शन नंबर ए एकदम झकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। जायसी किस शाखा कवि है? जायसी नॉट आईसी, बताए जायसी, बताइए जायसी ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी? बताइए जायसी, जेना लाल कुमार बिल्कुल सही जवाब है आपका। जायसी किस शाखा कवि है? याद रखिएगा जायसी जो है प्रेम मार्गी कवि थे, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कैसे कवि थे, तो प्रेम मार्गी कवि थे। एकदम शानदार आंसर आता हुआ, ठीक है, चल बहुत अच्छी। अगला सवाल, जो ही बच्चे देर से जुड़े हैं चैनल को एकदम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिएगा और डेली क्लास में कोशिश कीजिए आने का, एक भी क्लास नहीं मिस करना है। सत्संग, सत्संग में किन की अभिरुचि है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या जयशंकर प्रसाद की? सत्संग में कौन अभिरुचि लेते थे? क्वेश्चन नंबर 50। याद रखिएगा सत्संग में जो अभिरुचि लेते थे, सौ से सत्संग, असा से सूरदास, ये अपना अलग दुनिया ही बसाए हुए थे कि हमको सौ अच्छा से सिलाई करता है, सौ से जन्म लिए, सौ से शादी करेंगे, सौ के साथ मान जाएंगे। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसने सूरदास से कहा कि सूर है ऐसे घिघियाते काहे हो, कछु भगवतु लीला वर्णन कराओ ना। किसने सूरदास से कहा सूर है कि ऐसे घिघियाते काहे हो, कुछ भगतु लीला वर्णन कराओ? बल्भाचार्य, पिठलनाथ, रामनंद या अग्रदास? 51। चलिए 51 का आंसर आ चुका है, 51 का बल्भाचार्य, इनके गुरुजी जो बल्ले बल्ले सिखाए थे इनको, यही बोले थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना। नेक्स्ट, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत, ब्रजभाषी, अवधि या मैथिली? 52। सूरदास किस भाषा के कवि थे? एकदम शानदार, ब्रजभाषी थे। सूरदास जो है कृष्ण के प्रेम में दीवाने थे और ब्रजभाषी थे। अगर तुलसीदास पूछ देगा तो तुलसीदास कौन थे? अवधि और ब्रजभाषी दोनों थे, है ना, लेकिन सूरदास जो है वो ब्रजभाषी थे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। अब तुलसीदास सबका याद रखिएगा, नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास, इसका क्या बताएं कि नाभि आगे होता है, पेट का नाभि। सूरदास, सूरदास के गुरु कौन थे? इनको बल्ले बल्ले डांस सिखाए थे बल्लभाचार्य, ठीक है, बल्ले बल्ले डांस सिखाए थे। और तुलसीदास के 53, तुलसीदास के नर हरिदास, तो तुलसीदास के पूछ लेगा कि तुलसीदास के कौन थे, याद रखिएगा हरि जी, याद रखिएगा एकदम राम में प्रेम रखते थे, तो नर हरिदास इनके गुरु थे। तो तीनों गुरु का नाम याद रखिएगा, नाभा, अग्रदास, ठीक है, सूर, बल्लभाचार्य और ये तुलसीदास। नेक्स्ट, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ए बी सी या डी? 54। चित्ररेखा प्रेम मार्गी कवि की रचना है और ये कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी कवि बोला जाता था और वही रचना किए थे चित्ररेखा की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
नाभादास किस युग के भक्ति कवि थे, है ना, किस युग के थे नाभादास, आधुनिक काल, श्रृंगार काल, वीर गाथा काल या भक्ति काल 55। देखो ये लोग सभी जो हैं वो भक्ति काल के थे, किस काल के थे, तो भक्ति में लीन रहते थे। सही जवाब क्या है, भक्ति काल के थे। ठीक है चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बालकृष्ण भट्ट, अब ये बालकृष्ण भट्ट है किस युग के साहित्यकार थे, भारतेंदु, द्विवेदु, छायाभूत या प्रगतिवाद 56। इनके बारे में याद रखिएगा ये भारतेंदु युग के थे, किस युग के थे, भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है बातचीत, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आंसर करना है 57। बातचीत के राइटर कौन है, एकदम शानदार, बातचीत, बातचीत के राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। कोई बात नहीं, एक गलती हो गया तो गलती से ही सीखना है ना, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर एकदम धमाल मचा दिए, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहब लिखे थे बातचीत। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के रचयिता का नाम बताइए, उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया है, गुलेरी जी, अज्ञेय, मोहन राकेश या उदय प्रकाश 58। उसने कहा था कि राइटर कौन है जिसमें लहना सिंह का जिक्र है 58। बहुत अच्छे, लहना सिंह का जिक्र है और ये कौन थे, राजस्थानी जो है ना, गुलेरी साहब थे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, चंद्रा शर्मा गुलेरी लिखे हैं। चंद्रा शर्मा गुलेरी कहाँ के थे, देखिए अभी यहाँ पे हम पढ़ाए चंद्रा शर्मा गुलेरी कहाँ के थे 59। बहुत अच्छे, गुलेर के थे, गुलेरी जी गुलेर फेंकते थे, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर आपको बता दें के शुभ अवसर पर आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर लाया गया है इस चैनल की तरफ से। 2023 में अगर आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें, अभी तक बहुत टेंशन में हैं कि आखिर हम किस तरीके से 80-90% लाएं, सब्जेक्टिव, खासकर छात्रों का टेंशन है कि सब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए आप आसानी से आप सब्जेक्टिव नोट्स इस चैनल की तरफ से दिया जा रहा है, जिसे पढ़कर सिर्फ आप 80-90% मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर आप ये नोट्स लेने की इच्छुक हैं तो अभी सब्जेक्ट जो दिया जा रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का नोट्स जो है अभी अवेलेबल करा दिया गया है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके जो फी है वो 400 फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का 400 है और बायो का 350 है, जिसकी गारंटी है कि इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। अगर आप तीन सब्जेक्ट लेते हैं एक साथ तो आपको 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है, 1000 रुपये में आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं और बायो भी ले सकते हैं। उसके बाद कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो भी 1000 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आपका QR स्कैन कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी यही है आपका, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा अपने पेमेंट का। उसके बाद जो है तुरंत बाद आपको PDF जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो देर बिल्कुल ना करें, 2023 परीक्षा के लिए 100% अगर तैयार होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 400 रुपये में पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो इसका फायदा जरूर से जरूर लें और आज से ही जुड़ जाएं, ठीक है। और फ्री क्लासेस जो चल रही है वो रेगुलर आपकी चलती रहेगी।